आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है, राइट। सो देखो, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन बैलेंस देखो तभी होती है जब वो आपकी फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर वो फॉलो कर रही है तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, राइट। राइट, सो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है अगर उसमें हमारे पास मास जो है वो रिएक्टेंट साइड पर आपका जो है वो इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट साइड पर, तब वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा और आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। और इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम्स जो है अगर आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो, तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी और वो मास भी इक्वल हो जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वॉलेट नहीं करेगी एंड इक्वेशन भी बैलेंस, राइट। सो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपके पास क्या है, KMnO4 प्लस SO2 प्लस वाटर जो है ये आपका दे रहा है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4, राइट। सो देखो यूजली तो क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, राइट, कि किस साइड पर कितने एटम्स हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें बैलेंसिंग करनी है, सो यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम का एक है और यहाँ पर दो है, राइट। सो यहाँ पर टू लगा लीजिए। अब आप देखोगे कि यहाँ मैग्नीज की दो गए, सो यहाँ पर भी आप टू लगा लीजिए, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन एटम्स काउंट करते हैं एक बार। सो ऑक्सीजन एटम काउंट करोगे सो आपके पास रिएक्टेंट साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, इट इज 4 to the 8 प्लस 2 10, राइट। 10 प्लस 1 आपका हो गया 11, क्लियर। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन एटम्स की बात करते हैं सो ये हो गए 4 प्लस 8 12 प्लस 4 16, राइट। सो 16 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब 5 कम है। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 कम है और आप ये भी देख रहे हो कि सल्फर एटम्स की अगर मैं बात करती हूँ सो यहाँ पर 2 सल्फर 3 और 4 सल्फर हैं, राइट। 4 सल्फर है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सल्फर है। सो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं आपका 5, क्लियर, क्योंकि हिट एंड ट्रायल हमें मेथड यूज़ करना होगा। सो अब अगर मैंने यहाँ पर 5 लगा दिया, अब आपके पास क्या हो रहा है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 सल्फर हो गए, राइट। और यहाँ पर अब आपके पास 4 ही है, सो मुझे 5 करने, सो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, क्लियर। अब 5 हो गया आपके पास सल्फर, राइट, दोनों साइड सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, सो ऑक्सीजन के अब कितने हो गए आपके पास यहाँ पर, 10 11 और 11 प्लस 8 हो गए आपके पास 19, राइट। यहाँ पर 19 ऑक्सीजन एटम्स हो गए हैं और यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, 4 to the 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20, राइट। यहाँ पर हो गए हैं आपके पास 20, राइट। सो ये 20 हो गया, सो यहाँ 19 है, सो मुझे बैलेंस करना है, सो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आपके 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए एंड ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो दोनों साइड आपके 20 हो गए एंड फाइनली आपके बाकी एटम्स भी बैलेंस है। सो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।